हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन की ये पहली वीडियो है और अगर हम बात करें कल की डेट की, तो कल की डेट में यहाँ पर एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड हमने बातें करी थी। ये यहाँ पर आज की डेट में थोड़ा बहुत भागता हुआ दिखाई दिया, बट अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पेशेंटली वेट करेंगे तो ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देते हुए दिखाई देगा। और हम बात करने वाले इस वीडियो में एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जो कि एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जब इस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो शेयर वहां पर भागता हुआ दिखाई देता है, जो कि आज हमने देखा। यहाँ पर निफ्टी 50 गिरा हुआ था, बट अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें, जो स्टॉक्स हमने आपको सजेस्ट किए, मोस्टली स्टॉक्स में यहाँ पर 4%, 5%, इवन 17%, 80% तक के यहाँ पर अपर सर्किट लगते इतना भागता हुआ दिखाई दिया है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड बातें करते हैं, जानते हैं और क्या करता है वो, उससे रिलेटेड बातें करते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। वीडियोस को यहाँ पर जाइए देखिए, कोई पैसे नहीं लिए जाते यहाँ पर, केवल सिखाया जाता है। और सीखने के लिए यहाँ पर कोई बैल आपको कोई ज्वाइन बटन यहाँ पर नहीं देना, कोई किसी तरीके के पैसे नहीं देने, सिंपली वीडियोज को जाके चेकआउट करना है और यहाँ पर इस इन वीडियोज को जाके देखना है। देखने के बाद लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए। आपके लिए यहाँ पर सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोज बना के प्लेलिस्ट बना के भी रख रखी है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं और जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है matrimony.com। matrimony.com क्या है, ओके, उससे रिलेटेड हम जान लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। matrimony.com मतलब शादी.com के जैसा, ओके, मतलब जहाँ पर शादियां कराई जाती है। तो अगर बात करें matrimony.com लिमिटेड इज एंगेज इन ऑफर ऑनलाइन मैच मेकिंग सर्विसेज और इंटरनेट एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म, मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म इंटरनेट के थ्रू जो मैचिंग कराई जाती है ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम की, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें दिया जाता है। तो वो तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली बात है। अगर बात करें कंपनीज की जो मेन वेबसाइट है, जो कि भारत मैट्रिमोनी कम्युनिटी मैट्रिमोनी एसोसिएटेड मैट्रिमोनी एंड इलाइट मैट्रिमोनी, मतलब ये कुछ इनकी कंपनीज की ये वेबसाइट दे रखी है, तो इन्हें जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। आप इसे इजीली एक्सेसिबल है, मोबाइल पे भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है इससे रिलेटेड। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए भारत मैट्रिमोनी लीड्स कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन मार्केट सेक्टर विद 60% मार्केट शेयर। देखिए मार्केट में बहुत सारी आपको मैट्रिमोनी साइट से रिलेटेड मिल जाएगी, shaadi.com हो गया, इसके अलावा भारत मैट्रिमोनी हो गया, jeevansathi.com हो गया, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर साइट्स बनाई गई है। बट अगर हम बात करें उन सभी में से, अगर सबसे ज्यादा यहाँ पर लीडिंग अगर बात करते हैं, तो उसका 60% मार्केट शेयर किसके पास है, वो है यहाँ पर भारत मैट्रिमोनी। और भारत मैट्रिमोनी किसका पार्ट है, वो है matrimony.com का। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फायदा किसे होता हुआ दिखाई देगा, मैट्रिमोनी को। इसके अलावा इट इज फ्लैगशिप वेबसाइट ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इट कैटर्स इट्स वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स, मतलब इतने इनके कस्टमर्स हैं, ओके। एज वेल एज बात करें यहाँ पर ग्राउंड प्रेजेंस विद 130+ रिटेल आउटलेट भी है इनकी, ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन ही ऑनलाइन है, इनके खुद के ऑफिस भी बने हुए हैं। एक्टिव वर्सेस पेड यूजर्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिए कंपनी हैज मतलब 46 लाख यूजर्स इनके एक्टिव बेस है। इसमें से अगर बात करें 6.6 लाख 30% का पेड सब्सक्राइबर, मतलब यहाँ पर कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो उसकी बात करें तो 6 लाख कस्टमर्स यहाँ पर पेड है। और द कंपनी है 4 करोड़ प्रोफाइल रजिस्टर, मतलब 4 करोड़ यहाँ पर लोगों की प्रोफाइल रजिस्टर हुई पड़ी है सिंस 2006। और इसके अलावा अगर हम बात करें द पेड सब्सक्राइबर बेस फैल, मतलब इनका अगर बात करें 2018 में 7.5 लाख कस्टमर्स यहाँ पर पेड सब्सक्राइबर्स थे, बट यहाँ पर 2021 की बात करें थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, 1.5 लाख यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक बिग नंबर है। बट स्टिल यहाँ पर नंबर वन पोजीशंस पे है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग साइट्स आती हुई दिखाई दी है, जो shaadi.com जीवन साथी, तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत यहाँ पर कस्टमर जाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा देखिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर देखिए कंपनी इंटर मैरिज सर्विस बिजनेस एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर इट्स कोर मैच मेकिंग बिजनेस, इट्स स्टार्टिंग मैट्रिमोनी बाजार ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉरवर्ड वेडिंग रिलेटेड सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पर एक और इनकी इन्होंने इस तरीके का बिजनेस शुरू किया मैट्रिमोनी बाजार के नाम से, जिसमें यहाँ पर देखिए मैच मेकिंग तो कराते ही है, मैच मेकिंग के बाद जो पूरी की पूरी शादी का जो वेडिंग अगर बात करें वेडिंग रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है। तो वेयर बाई 2200 वेंडर्स एंड 4 फोटोग्राफर्स,
तो यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए इनके पास 2200 वेंडर्स है, कैटरिंग एंड डेकोरेटिव, यहाँ पर कैटरिंग डेकोरेशन इन सभी से रिलेटिव 2200 को यहाँ पर वेंडर्स है, मतलब कैटरिंग सर्विस भी देते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं और यहाँ पर फोटोग्राफी से रिलेटेड भी इनका ये काम करता है। इट ऑल्सो स्टार्टेड mandap.com भी इनका एक शायद एक साइट है, विच इज वेडिंग वेन्यू बुकिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जहाँ पर आप डेस्टिनेशन, आई थिंक यहाँ पर ये डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये आप मंडप वगैरह यहाँ पर बुक कर सकते हैं, वेडिंग वेन्यू यहाँ पर बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म विद मोर देन 700+ मंडप, बैंकेट हॉल, कन्वेंशन हॉल, ये सभी तरीके की चीजें। तो ये देखिए पूरा पैकेज दिया जाता है, मतलब मैच मेकिंग भी यहाँ पर है, फिर वेन्यू भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ पर कैटरिंग, डेकोरेशन, फोटोग्राफी से रिलेटेड, बट आपको यहाँ पर पैसे देना है और किस तरीके की यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी से रिलेटेड। तो ये एक ग्रेट, मतलब एक पूरा पैकेज आपको मिलता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैच मेकिंग सर्विस अकाउंट, मतलब मैच मेकिंग से जो इनका 99% रेवेन्यू आता है, बाकी 1% रेवेन्यू आपका मैच मेकिंग मैरिज सर्विसेज से आता है, जो कि ऑब्वियसली बात है धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया ग्रो होता जाएगा, ओके लोग ऑब्वियसली बात है अभी अपने ही कुछ प्लेसेस पे यहाँ पर कर देते हैं, बट धीरे धीरे जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो यहाँ पर इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत आगे के टाइम में यहाँ पर पड़ने वाली है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग इनिशिएटिव की बात है, कंपनीज मार्केट इंक्लूड ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट थ्रू टीवी, मतलब टीवी प्रिंट यहाँ पर ये यहाँ पर इसे ये करते हुए नजर आते हैं। ओके यहाँ पर ब्रांड बेल्टर की बात करें तो यहाँ पर देखिए अमेज़ॉन, यहाँ पर भारत मैट्रिमोनी का यहाँ पर आपने एड भी देखी होगी। डिवीजन की बात करें तो कंपनी हैज डिवाइडेड द कंपनीज पोर्टल्स अमंग रीजन्स इन कम्युनिटी और अलग अलग उसके बेस पे यहाँ पर इन्होंने बताया रखा है। जैसे कि अगर बात करें तमिल मैट्रिमोनी, हिंदी मैट्रिमोनी फॉर डिफरेंट रीजन है, सिख कम्युनिटी, अग्रवाल मैट्रिमोनी, यादव मैट्रिमोनी, मतलब अलग अलग कास्ट वाइज भी इन्होंने अगर बात करें रीजन वाइज भी यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जो कि ठीक है। अगर बात करें इक्विटी इन्फ्यूजन इन एस्ट्रोविजन तो यहाँ पर देख सकते हैं 26.1 स्टेक यहाँ पर इससे रिलेटेड भी यहाँ पर इन्होंने ये बातें कर रखी है। इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें से रिलेटेड यहाँ पर पता चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर इनसे यहाँ पर अबाउट अस में जाइए तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें इनके बिजनेस से रिलेटेड, ओके जो कि यहाँ पर देखिए मैट्रिमोनी सर्विस में भारत मैट्रिमोनी, एसमीज मैट्रिमोनी, जो कि अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पर स्टेट वाइज एज वेल एज यहाँ पर कम्युनिटी वाइज यहाँ पर दे रखा है। रीजन मैट्रिमोनी मतलब अलग अलग यहाँ पर बुद्धिज्म, जैन, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन से रिलेटेड, मतलब हर चीज से अलग अलग यहाँ पर दे रखा है उसका भी एक, क्योंकि काफी लोग होते हैं कि जो इस चीज में बिलीव करते हैं तो उसमें बिलीव करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे जाके, जैसे कोई मुस्लिम है तो वहाँ पर पर्टिकुलर इस साइड पे ही जाके यहाँ पर ब्राइड ग्रूम, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे आपको मुस्लिम ही दिखे देंगे, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन, सिख में सिख, जैन, और एक अलग से इनकी पूरी साइट है भारत मैट्रिमोनी या matrimony.com, तो वहां पर जाके आप ओवरऑल मैट्रिज जो कि यहाँ पर डिफरेंस नहीं करते रिलीजन और किसी में, वहां पर भी जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी मतलब ओवरऑल सर्विस हर तरीके की सोच समझ के यहाँ पर दे रखी है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में देखिए जनसंख्या भी इतनी सारी ज्यादा है और आजकल ब्राइड और ब्राइडग्रूम ढूंढना इट इज अ बिग डील, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऐसी साइट्स आपको अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर इसमें बात करते हैं मार्केट कैप की, 2355 मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, ओके पी रेशो की बात करें 52 का पी है, आरओसी 19 है, 16 का है, जो कि अच्छा खासा है, 23% का डेट है और कमी डेट है, प्लेस की बात करें यहाँ पर कोई भी प्लेसिंग नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देंगे तो सबसे पहले तो इंटरनेट बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर आई इस कंपनी, ओके सेम अगर बात करें ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड है तो आपको इन्फो एज यहाँ पर लिस्ट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इन्फो एज का ही पार्ट यहाँ पर jeevansathi.com है, तो यहाँ पर आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। इसके अलावा पीयर्स कंपनी में एज वेल एज सेल्स की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे इनकी जो सेल्स है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ओके यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बात करें, ओके मतलब एक जैसे ही लगता हुआ नजर आ रहा है, बट कंपनी एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉफिट में, और इस बार के जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड का अगर व्यू स्टैंड अलोन की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर सेम ही हाईएस्ट एवर यहाँ पर इनकी रेवेन्यू है। अगर ईयरली बेसिस पर हम बात करें तो देखिए 75 करोड़ की सेल्स यहाँ पर लगभग 400 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट जो कभी घाटे में चलता था कंपनी अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट में आ गई है और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करना शुरू कर दिया है कंपनी ने। रिजर्व्स की बात करें कंपनी का रिजर्व 250 करोड़ रुपए का है,
बोरिंग की बात करें तो बोरिंग यहाँ पर देखिए 60 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग भी है। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर देखिए रिटेल आउटलेट है, ओके तो अच्छे खासे यहाँ पर ऑलरेडी आउटलेट है, तो वहाँ पर जाके भी ये डिस्कशन कर सकते हैं। कैश की बात करें 196 करोड़ के यहाँ पर कैश है। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो भी पैसा आता है इनकी देखिए बुक में दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए अच्छे खासा यहाँ पर ROCE यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट दोबारा यहाँ पर इस साल से जैसे कि यहाँ पर लॉकडाउन आ गया था दोबारा से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस चीज को याद रखिएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें एज इट इज है, पिछले 12 क्वार्टर की बात करें यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट्स में कम करी है, बट स्टिल यहाँ पर 50.2% की हिस्सेदारी है। FIIs की बात करें FIIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी पिछले 3-4 क्वार्टर में थोड़ी सी कम करी है, बट अगर यहाँ पर देखें तो 22.54% की होल्डिंग है। DIIs की बात करें DIIs ने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी पिछले 3-4 क्वार्टर से यहाँ पर कम करी है, बट 19% की हिस्सेदारी है। पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास केवल 8% की हिस्सेदारी है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि केवल 8% की हिस्सेदारी ही यहाँ पर नजर आती है किसके पास, पब्लिक के पास, जहाँ पर ऑपरेटर एंड यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर मैं आपको दो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनाते हुए दिखाऊंगा। तो अगर हम पहले चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक छोटा सा यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कब्बल हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनते हैं जिसे कहते हैं। यहाँ पर बात करें तो देखिए एक यहाँ पर कप बना, कप बनाने के बाद यहाँ पर एक ये हैंडल बनाते हुआ नजर आएगा, और इसके जो टारगेट हमारे बनते हुए नजर आएंगे, तो इसके टारगेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके टारगेट अच्छे खासे यहाँ पर लग रहे हैं, और यहाँ पर सॉरी तो अगर हम यहाँ पर से इसे उठा के यहाँ पर रख देते तो आपको पता चलेगा इसके टारगेट थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिएगा, तो इसके जो टारगेट आ रहे हैं लगभग 1500 रुपए के आसपास के यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं, ओके। और 1500 रुपए के टारगेट का मतलब क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना परसेंट का गेन। तो देखिए दो टारगेट यहाँ पर, पहले टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट यहाँ पर यही है इसके जो 17% का है, ओके 15% का। इसके अलावा दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट देखिए यहाँ पर 50% के आसपास का टारगेट है, जो कि अगर आप एक साल यहाँ पर वेट कर देते तो यहाँ पर आपको ये अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर दो टारगेट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंटली आपको वेट करना होगा, फिर ये टारगेट इजिली यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा एक और चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक बिग चार्ट पैटर्न, एक बड़ा चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इसने कब बनाया, कब बना के यहाँ पर हैंडल बनाया, हैंडल बना के यहाँ ऊपर की तरफ निकला भी था, फिर यहाँ पर देखिए उसी रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें उसी रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की अगर बात करें और थोड़ा सा इनके और एक आध दो क्वार्टर इनके अच्छे खासे रिजल्ट आ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो ये टारगेट है अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए ये भी कितना बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी सिमिलर की बात करें तो लगभग सेम इतना ही बनता हुआ नजर आ रहा है, 1600 पटर बस थोड़ा सा और ऊपर है। तो अगर बात करें ये लगभग 60% के आसपास होगा, एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसका कितना परसेंट का यहाँ पर गेन है, हाँ तो देखिए ये लगभग 61%। तो दो टारगेट, तीन टारगेट 15%, 48% एज वेल एज 60% के टारगेट के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। RSI की बात करें तो यहाँ पर 46 पे RSI पे चल रहा है, एज वेल एज बात करें देखिए कोई भी शेयर यहाँ पर 15% 20% अगर गिरता है अच्छा शेयर तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है यहाँ पर ये खरीदने की। ये शेयर लगभग 27% गिरा था, अभी कंसोलिडेशन मूड में, और अगर हम बात करें मार्क्स में यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट ही है, ये शेयर कभी भी यहाँ पर ऊपर की तरफ भाग सकता है। और इसी तरीके के चार्ट पैटर्न अपने SBI कार्ड्स भी पकड़े थे, और एक आध जो शेयर से लेके हम अभी बात करेंगे अगले वीडियो में तो आपको पता चलेगी कि वहां पर भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी आज के डेट में वीडियो आएंगी, उन वीडियोस को जाके देखिएगा। ये चार्ट ऑफ द वीक में हमने डे में अगर बात करें तो मैट्रिमोनियल लिया है, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पर अपसाइड दिखाई दे रहा है। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ स्टडी करनी है, वीडियोस को गो थ्रू करना है, सीखना है, और सीखने के लिए आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग।